ये तो जद्दा का ठंडा मौसम और ऊपर से ठंडे किस्म का ये मिल्क शेक, ये बादाम आलमंड वगैरह इसमें काफ़ी चीज़ें मिक्स की हुई हैं। मैंने तो खैर पहली दफ़ा ये पसंद कर कर लिया है। बहरहाल मैं आपको जद्दा का वैदा दिखाता हूँ जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाल मेरे देख लें, मैं फार्द खाने में सारा दिन गुजार दिया है। आया हूँ, नहाया भी नहीं हूँ, तो ऐसे ही बस अभी बाहर निकला था ये जद्दा बनी मालक से। अच्छा, मैं आपको ये बताने वाला था कि जद्दा का भी मौसम आप यकीन करें ऐसा बना हुआ है कि हल्की हल्की सर्दी फील हो रही है। दिल कर रहा है जैसे आदमी ऊपर जैकेट वगैरह को डाले, हकीकत बात है। हालांकि जद्दा में ऐसे होता बहुत कम है, पर जो भी सिस्टम है, जो भी व्यू है, वो आपको मैं दिखाता हूँ लाइव कुछ जी। तो आप देख लें ये नीम का दरख्त हवा के साथ कैसे झूम रहा है। हवाएं तेज़ चल रही हैं इस वक्त जद्दा में, और ख़ासकर यहाँ बनी मालक में, और मौसम बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और शुरतों दौरियत की गाड़ियाँ भी घूमती हैं, ये भी अपने जहन में रखिएगा। बहरहाल ये नीम का दरख्त अभी भी नीचे आवाम खड़ी हुई है, मैं देख रहा हूँ क्यों दौरियत वाला आए पकड़े ले जाए। तो भाई इधर से बंदे वगैरह उठाए जाते हैं, ये तो मैं आपके साथ वीडियोस में बताता भी रहता हूँ। बहरहाल जद्दा का मौसम काफ़ी खूबसूरत मुझे लग रहा है आज। अगर ऊपर बादल देख लेंगे आप कैसे हैं। सऊदी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, जद्दा में भी दो बारिशें हुई। तो बहरहाल जद्दा में बारिशें तो हुई हैं, लेकिन मौसम चेंज हो गया, ऐसा लग रहा है आज जैसे सर्दी महसूस हो रही हो, हकीकत हकीकत बात है। अच्छा, दिन के टाइम भी यही हालात थे, मैं दिन को भी बाहर था आज, सारा दिन स्वार्थ खाने में गुजारा है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल आज दिन के टाइम भी यही मनाजर थे, जो धूप थी वो प्यारी लग रही थी, जो कि जद्दा में ऐसा बहुत कम होता है।